नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। पाकिस्तान के न्यूज एंकर्स को हिंदुस्तान के मुसलमानों ने करारा जवाब दिया है। दरअसल पाकिस्तान के न्यूज एंकर्स ये पूछ रहे थे कि मोदी की गवर्नमेंट आने के बाद मुसलमानों के साथ ठीक बर्ताव नहीं किया जाएगा। उसके बाद हिंदुस्तान के मुसलमानों ने जो जवाब दिए उससे पाकिस्तान के न्यूज एंकर्स की बोलती बंद हो गई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से भी ज्यादा अच्छे हालात मुसलमानों के हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कहा कि पाकिस्तान से भी बेहतर हालात मुसलमानों के हिंदुस्तान में हैं। आपको जो सूचना मिली है वो सरासर गलत है और इसके बाद ऐसे ऐसे जवाब दिए कि पाकिस्तानी एंकर्स सवाल करना ही भूल गए। आप खुद ही सुन लीजिए। कमर आगा साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। आपने औरिया मकबूल साहब की गुफ्तगू भी सुनी, आप खुद एक मुस्लिम है और आप भारत में रहते हैं। बड़ा गहरा सवाल है, कुछ कड़वा भी है, तीखा भी। अगर आप माइंड कर जाए तो मैं एडवांस में आपसे सॉरी कहती हूँ। मजहबी इंतजार हमने देखा कि बीजेपी गवर्नमेंट में यानी मोदी साहब की गवर्नमेंट में बड़ा है। आप खुद मुस्लिम में कैसे देखते हैं जब मुसलमानों के साथ वहाँ पे इस तरह का नारवा सलूक बरता जाता है? आपको बतौर मुसलमान तकलीफ होती है और बतौर इंसान तो होनी ही चाहिए। ये किसने आपको बताया कि बड़ी तकलीफ होती है? मुझे तो आज तक नहीं लगा कोई मुझे तकलीफ। आपका अपना मीडिया, सोशल मीडिया आजाद है, हम लोग सब देखते हैं। यहाँ की बेस्ट यूनिवर्सिटीज में पढ़ा हूँ मैं, यहाँ के अच्छी जगहों पर मैंने नौकरी की है। मैं अकेला नहीं हूँ इस तरह के। पता नहीं कितने आपको अखबार में भी और दूसरे शोबे में लोग मुसलमान मिल जाएंगे। यहाँ पे जितने बड़े बिजनेसमैन हैं मुसलमान, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में एक भी नहीं होगा उनके मुकाबले में। जो चंद पांच छह जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बिलियनर्स हैं, मल्टी बिलियनर्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। फिर छोटे बिजनेसमैन यहाँ पे जितने हैं उतने बड़े भी नहीं होंगे। इतनी बड़ी इकनॉमी मुसलमानों की है, शायद पाकिस्तान की पूरी टोटल इकनॉमी नहीं होगी उतनी। देखिए, हम लोग सेकुलर हैं, हम लोग इस तरह की बातें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की नहीं करते। हमारे यहाँ जरूर है एबरेशन, उसमें जरूर होता रहता है और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है पाकिस्तान। पाकिस्तान से जो नफरत आती है और पाकिस्तान जो हिंदू मुस्लिम बनाई नफरत पे है, उसके जिस तरीके से अलहदगी कराई गई है कि मुस्लिम हमारे सेपरेट नेशन अलग हो गए, आपने अलग बना लिया अपने मुल्क को, और फिर उसके बाद वो जिस दिन ये नफरत खत्म हो जाएगी तो पाकिस्तान की वो जो में जो आगा सर, थोड़ी सी करेक्शन करना चाहूंगी। आई एम रियली सॉरी, आप मुझसे बड़े हैं एज में भी, तजुर्बे में भी, मेरा मुझे आपकी करेक्शन करनी नहीं चाहिए, लेकिन नफरत नहीं थी, बेसिकली तासुब था। वही तासुब जो आज भी पाया जाता है। 7 decades गुजर चुकी हैं, 7 से ज्यादा दहाइयां गुजर चुकी हैं आपके यहाँ से देखा जाता था, तब भी मुसलमानों के साथ इस तरह का सलूक बढ़ता जाता था और अब तो मजीद बढ़ता जा रहा है। ये सब कुछ नफरत में और वन साइडेड तासुब में बड़ा फर्क होता है, इसलिए पाकिस्तान बना था दो कौमी नजरिए पर। मैं चाहूंगा कि आप जरा सा अपनी माइनॉरिटीज की तरफ ध्यान दें और जो इथनिक कम्युनिटीज हैं, दूसरी बलोच या पश्तून या सिंध या कश्मीरी, इनकी तरफ ज्यादा ध्यान दें तो हम लोगों के ऊपर छोड़ दें। मैं एक छोटा सा जी